हम हर बार देखते थे कि दिवाली है तो मिट्टी के दिए तो जलाएंगे ही जलाएंगे, और अब तो एक नया चलन भी हमने देखा कि मोम के दिए जलाने लगे थे, और या वो जैली आती है उसके दिए जलाने लगे थे, और वो बस रात भर जितना टाइम जले जले, उसके बाद सड़कों पे नज़र आते थे, वो भी एक कूड़ा बढ़ा रहे थे। तो हमारे पास चूँकि हम पशुपालन भी करते हैं, गोबर बहुत है, और गोबर की समस्या आए दिन इतनी विकराल होती चली जा रही थी कि नाले चौक हो रहे हैं गाँव में, जोहड़ चौक हो रहे हैं, तालाब बंद हो गए। तो वो देख के हमने लगा कि देखते हैं एक बार कोशिश करके कि हम क्या क्या बना सकते हैं गोबर से। हम लक्ष्मी जी बना रहे हैं, गणेश जी गोबर से ही बना रहे हैं, और दीपक बना रहे हैं गोबर से ही, थाल बना रहे हैं उसमें मिट्टी मिला के, और दीपक बना रहे हैं छोटी छोटी, और सजाने की चीज़ें बना रहे हैं। तो और जलाने के लिए जैसे छोटे चूल्हे, अब सर्दी आ रही है, चूल्हे में उपलों के लिए लोग कहीं कहीं घूमते हैं, तो हम सीधी सीधी अंगीठी या चूल्हे के लिए लकड़ियाँ बना रहे हैं, लकड़ी टाइप ही सांचे से बना रहे हैं। हम एक तरफ कहते हैं पेड़ बचाओ पृथ्वी बचाओ, लेकिन पेड़ काट कट रहे हैं, कटान लगातार जारी है, और एक शाश्वत सत्य ये है कि मृत्यु सब किसी को आनी है, और हिंदू धर्म में जब हम हैं तो हमें जलना भी है, हमारी अंतिम गति जलने के बाद ही है। तो उसमें भी हमें कुंटलों लकड़ी एक मुर्दे को फूंकने में लगा देते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गोकास्ट का उपयोग किया जाए, लकड़ी काटने से बचाई जाए, और वो गोबर का ही हम लोग बना रहे हैं, बरूदा और गोबर मिला के। जो हम और चीज़ें बना रहे हैं, दिया है या गणेश जी हैं या अभी गोवर्धन है, तो इनमें हम लोग सामग्री मिला रहे हैं और कपूर मिला रहे हैं दिए में भी, ताकि वो एक मच्छर विरोधी भी हो, और साथ ही उससे एक वातावरण में एक सुगंध हो, थोड़ा सा हमें लगे जैसे पहले हमारे यहाँ हवन होते थे तो दूर तक सुगंध जाती थी, अब वो सुगंध कहीं से नज़र नहीं आती, तो ये नेचुरल एक सुगंध लगातार दिखाई दे। और इससे अलावा भी हमारा एक ये मकसद ज़रूर था कि जो महिलाएं जो बेहद गरीब घर से हैं, जिनके पास रोज़ी रोटी बहुत नहीं है, पति उतना नहीं कमा पाते और वो सक्षम नहीं है कुछ करने में, तो उनको एक रोज़गार दिया जाए, जो किसी तरह अपना घर कैसे चला रही थी। अभी हमने उनको रोज़गार की पहल की, इसीलिए हम मशीन नहीं लगा रहे, इसकी मशीन भी हमने सर्च की तो मशीन भी है, लेकिन हम गोकास्ट की मशीन नहीं लगा रहे, हाथ से ही बनवाएंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को काम देने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को दिवाली से, काफ़ी पहले तैयारी करनी शुरू कर दी अब की बार हमने, तो हमने सोचा जो इतनी देरियां हैं, सब जगह बाहर जाने की बात आ रही है, तो क्यों ना उस गोबर को यूज किया जाए, सबके लिए भी फायदा है कि डेरियां बच जाएंगी, और उस गोबर का बहुत अच्छे से यूज होगा, और हम महिलाओं को बहुत अच्छे से काम भी मिल रहा है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा, मेहनत करते हैं, और अच्छा भी लगता है कि हम वेस्ट चीज़ से कितना अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। बच्चियाँ भी हमारे पास काम कर रही हैं, हमारा किशोरी समूह है, उसकी बच्चियाँ काम कर रही हैं, ताकि और स्कूल के बाद, स्कूल का कोई समझौता नहीं है, स्कूल के बाद आके वो दिए बना रही हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं स्कूल के बाद में, स्कूल के छुट्टी होने के बाद में हम ये सब चीज़ें बनाते हैं, और हम मैं बोलना चाहती हूँ कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये आइडिया मतलब कि जैसे देखने पे आया कि ज़्यादातर लोग मिट्टी के दियो का यूज़ कर रहे हैं और गोबर का वेस्ट कर रहे हैं, हमने सोचा कि गोबर के दियो का कुछ यूज़ में लाया जाए, इसलिए हमने गोबर के दिए बनाए। पोल्यूशन, इससे पोल्यूशन के लिए भी बढ़िया है, पोल्यूशन कम होगा, और अच्छा है कि इसका गोबर का यूज़ होगा। गोबर में हम लोग तो कई तरह के बीज मिला देते हैं, ताकि वो गोबर बाद में भी यूज हो जाए और उसमें कुछ उपजे तो वो और भी अच्छा रहे। जैसे बीज की तोरी के बीज हैं और छोटे गेंदे के फूल हैं, कई सारी चीज़ें हम मिला रहे हैं उसमें, ताकि वो बाद में भी अगर गोबर बन जाए तो यूज हो उसका कुछ। देखिए, जैसे नगर निगम से हम लोग बात कर रहे हैं गोकास्ट के लिए, कि हर शमशान में वो लोग बात करें, गढ़ में हमने बात की है कि गढ़ में एक बड़ी रेशो है कि जहाँ लकड़ी जलाई जाती है, तो वहाँ पे अगर हमारा ये चल जाता है, अगर उनको समझ में आ जाती है हमारी बात, तो हम आपूर्ति करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है हम सैकड़ों लोगों को रोज़गार दे सकें उसके लिए, तो और महिलाओं को स्पेशली हमारा ये इसमें है। डेयरी संचालकों से भी हमारी बातचीत चल रही है, उनको हमने लेटर दिया है,